हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओवर एक्टिव माइंड की। अचानक से इस प्रॉब्लम के लिए बहुत से पेशेंट कंसल्ट करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि सभी का माइंड ओवर एक्टिव हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोगों को जानकारी होने लगी है कि दिमाग का ज़्यादा तेज़ दौड़ना, दिमाग का इतना तेज़ दौड़ना कि आपके रहन सहन, आपके रूटीन में वो परेशानियां डाल दें, तब उसको ट्रीट कराना ज़रूरी होता है। और इसीलिए आप लोग कंसल्ट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग सिर्फ शारीरिक लक्षणों के लिए नहीं, मानसिक लक्षणों के लिए भी कंसल्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं तभी भी आप बीमार हैं और आप पूरा अपना 100% अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं। ओवर एक्टिव माइंड का मतलब यह हुआ कि जब आपका दिमाग इतना तेज दौड़े कि आप अपने जो आप करना चाहते हैं उसको ना करके सिर्फ आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहें और आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, तो एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, एनीथिंग दैट इज इन एक्सेस इज नॉट गुड। तो इसीलिए ओवर एक्टिव माइंड का ट्रीटमेंट लिया जाता है। अब ओवर एक्टिव माइंड क्यों होता है पहले हम जानते हैं, और उसके बाद इसके हम कुछ सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, यानी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग होम्योपैथी में ही आते हैं ओवर एक्टिव माइंड के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कारण क्या होते हैं। तो ये जो कारण होते हैं, जैसे अभी चलिए हम एक स्टार्ट कर लेते हैं केस के बारे में, जो कि मैं आपको बताने भी वाली थी इस वीडियो में। एक पेशेंट है, 22 इयर्स का लड़का है वो, और वो अपनी जो तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो उसको अचानक से प्रॉब्लम ये आने लग गई कि उसका माइंड जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, रन करने लग गया, और जिससे उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब वो इस बात से बहुत परेशान है कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं, कैसे, क्योंकि जब मैं बुक उठाता हूं तो मेरा दिमाग चलने लगता है, और जब तक मैं दिमाग के घोड़े खींच करके वापस लाता हूं तब तक मैं देखता हूं कि आधा घंटा तो निकल गया है। तो इस प्रॉब्लम से जो पेशेंट है वो ग्रसित है। हिस्ट्री लेने भी पेशेंट ने बताया कि उसका बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा है, शुरू से ही उसके फैमिली में कुछ इश्यूज रहे हैं, और इसीलिए वो बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है। वो चाहता तो घर से भी रहकर पढ़ाई कर सकता था, लेकिन वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब से वो बाहर आया है तब से उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया है। एक्चुअली पेशेंट के जो वर्ड थे सिर्फ यही थे कि मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, जब मैं लेटता हूँ तो मैं 2-2 बजे रात तक सोचता रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये पूछने पर कि किस तरह के ख्याल आते हैं, तो उसने बताया कि कभी रेलगाड़ी इधर चल रही होती है, कभी इस तरफ चल रही होती है, कभी कहीं भी जा रही होती है, तो कुछ उसका अता पता नहीं है। कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक पे हो, आधा घंटा तक आराम से सोच सकता हूं मैं। तो ये जो लक्षण थे इनके साथ पेशेंट ने कंसल्ट किया। तो ज्यादातर पेशेंट्स में कारण की अगर हम बात करें तो ज्यादातर पेशेंट्स में यही देखा जाता है कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए बच्चे को, घर का जो एनवायरमेंट मिलना चाहिए बचपन में, वो सही नहीं मिला, या कोई चीज़ की कमी रह गई, इमोशनल अटैचमेंट उतना अच्छा नहीं मिला, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे, उन्होंने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, या बच्चे को डर लगा कि अगर मम्मी पापा से ये बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, या फिर अपने दोस्त नहीं बना पाए, या दोस्तों ने बहुत परेशान किया, या आगे चल के कोई रिलेशनशिप बना उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखते हैं, इस तरह से जो कारण दिखते हैं वो आपको लेके जाता है ओवर एक्टिव माइंड में। इसके अलावा ओवर एक्टिव माइंड का एक साइंटिफिक रीजन ये निकलता है कि केमिकल लोचा हो जाता है, यानी कि जो गाबा होता है, एक गामा अमाइनोबिट्रिक एसिड होता है, इसकी कमी से भी ओवर एक्टिव माइंड हो जाता है। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल होता है, जो हार्मोन आपके, जो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जो आप किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी पैनिक सिचुएशन में बढ़ जाता है आपके शरीर में, वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें देखा जाता है। तो ओवर एक्टिव माइंड अगर है तो आपके अंदर गाबा की कमी है, बहुत सारे लोगों के अंदर जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी भी कमी देखी जाती है। तो कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसकी कमी से भी हो सकता है, क्योंकि जो ये ओवर एक्टिव माइंड होता है एक हेल्दी माइंड में नहीं होता है, एक डिजीज माइंड में होता है, और उसके साथ में कुछ डिप्रेशन के लक्षण भी आ सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वे में सोच रहे हैं, तब बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं और ख्यालों के पुल बना जा रहे हैं, फैंटेसी में रह रहे हैं, इसका कोई रियलिटी से संबंध नहीं है,
तो उसको हम ओवर एक्टिव माइंड में लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहना, कहते हैं ना कि प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए और जो बीत गई सो बात गई, मतलब पीछे का सब कुछ भूल जाना चाहिए। हाँ, लेसन जो वहाँ से लिया है, जो वहाँ से आपको सीखने को मिला है, वो ज़रूर आपको याद रखना है, लेकिन जो कड़वी यादें हैं वो छोड़ देना चाहिए, जो जो एक ग्रज होता है ना वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको जकड़ लेगा एक तरह से, आपको आगे एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने में आपको मदद नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के लोग क्या होते हैं कि उनका माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनली वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस आउट कि हम भी दोस्त भी बना लिए बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में, वो बोल भी रहा है, वो ज़्यादातर सुनने वालों में से होते हैं जिनको ओवर एक्टिव माइंड होता है। ओवर एक्टिव माइंड के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर किसी के सामने कुछ कहते नहीं है, इसलिए उनका दिमाग के घुड़े तभी दौड़ते हैं जब वो अकेले होते हैं। अगर वो कह ही दिया उन्होंने बात तो उतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने थॉट्स आ रहे थे उन्होंने तो बोल दिया। प्रॉब्लम उनके साथ आते हैं जिनको थॉट्स तो आ रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ उनके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। और एक और इत्तेफाक की बात यह है कि जो प्रॉब्लम होती है यंग एज में ज्यादा देखी जाती है। एक और पेशेंट का केस मुझे याद आ रहा है अभी, उनके केस में भी यही था कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन जब उनको उनके साथ में रहता हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं बोलूंगा तो सारे दोस्त मेरा मजाक बना लेंगे, और फिर जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बोल सकता था मैं, इस पॉइंट पर ये बात वैलिड होती है, लेकिन मैं कह ही नहीं पाता हूँ किसी के सामने, इन एनी सोशल गैदरिंग में कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन घर आता हूँ तो दिमाग इतना तेज चलता है कि मैं सो ही नहीं पाता हूँ, इतना ओवर एक्टिव माइंड हो जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिव माइंड, जब आप किसी बेसलेस चीज पे लगातार सोच रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं सोच रहे, किसी पॉजिटिव वे में नहीं सोच रहे हैं, जिसका कोई बेसिक नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक थिंकिंग अगर है, फ्यूचर के बारे में है लेकिन जो चीजें बहुत बाद में होनी है उसके बारे में है, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी की जो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी थेरेपीज होती हैं जो आपको यूज करना चाहिए, और मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। अब मैं बात करती हूँ कुछ दवाइयों की जो हम यूजली अपने पेशेंट्स को देते हैं ओवर एक्टिव माइंड के केस में। तो ओवर एक्टिव माइंड क्यों ट्रीटमेंट लेना जरूरी है वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपको वो जिस आपको रियलिटी से दूर भगाता है ओवर एक्टिव माइंड, आपका टाइम बहुत वेस्ट करता है, आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट करता है, आपको थका देता है, और कई बार आपका ओवर एक्टिव माइंड सोचते सोचते ऐसी जगह पर निकल जाता है जहाँ के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं, डिप्रेशन में ला देते हैं, तो फिर से आपका टाइम तो एक घंटा तो उसने सोचने में लगाया और उसके बाद जो थॉट आपके मन में आया वो आपको डिप्रेशन में ले गया, वो आपको डिप्रेशन में ले गया, तो पूरा दिन तो आपको निकल गया। सो ओवर एक्टिव माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है। सो चलिए बात कर लेते हैं उन दवाइयों की जो हम होम्योपैथिकली देते हैं। सबसे पहली दवा जो हम ऐसे केसेस में देते हैं वो है कॉफिया क्रूडा, यानी कॉफी से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा, बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई भी ऐसी बात सुन ली, कोई खुशखबरी सुन ली, उसके बाद उनको नींद नहीं आती है, उनका दिमाग चलने लगता है, और इतना ज़्यादा दिमाग चलता है, इतना क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हो जाता है, थॉट्स की लाइनें नहीं लगती कि हाँ ये थॉट जा रहा है दूसरा, अरे क्राउड इतना हो गया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो सोच कर रहा है, तो इस तरह से क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हो गया, ये थॉट गया दूसरा थॉट आया, तो इस तरह के केसेस में कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छा काम करती है। इंसोम्निया के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, जहाँ पे वो लोग जिनको दो दो तीन तीन बजे रात तक कुछ कर नहीं रहे हैं, मोबाइल वगैरह भी नहीं यूज कर रख दिया, लेकिन दिमाग जैसे आंख बंद किया दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि उनको आंख खोलनी पड़ती है, दे कैन नॉट कीप देयर आईज क्लोज, क्योंकि उससे में और ज्यादा ख्याल उनको आने लग जाते हैं, तो सोने में बहुत उनको तकलीफ होती है। तो कॉफी क्रूडा इज अ वेरी गुड रेमेडी जिसको हम 200 पावर में यूज करते हैं यूजली। अगली जो दवा है वो है कैलिफोस। कैलिफोस के अंदर मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी थॉट्स बहुत ज़्यादा रैंडमली चलते रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, और इंसोम्निया के केस में भी कैलिफोस दी जाती है, जहाँ पे नर्वस एग्जॉशन है और थॉट्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कैलिफोस इज़ अ गुड रेमेडी। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप उसको देख सकते हैं, और ये दवा बहुत इजीली अवेलेबल भी हो गई है अब तो ये जो दवा होती है अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा लो मूड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, तब अगर उनको इस तरह से ओवर थिंकिंग ऑफ माइंड हो रही है तो सेरोटोनिन नाम की दवा को ले सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा दिया जाता है मेंटल कामनेस के लिए, शांति के लिए, दिमाग पे एकदम जैसे दिमाग एकदम दौड़ रहा है उसको शांत करने के लिए, और साथ में नींद लाने के लिए, तो दोनों केसेस में पैसिफ्लोरा आप जानते भी होंगे कि बहुत मशहूर दवा है,
तो पैसिव फ्लोरा को भी यूज़ किया जा सकता है क्राउडिंग ऑफ थॉट्स में, या बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं तो। लाइकोपोडियम एक और इम्पॉर्टेंट दवा है जो हम ऐसे केसेस में देते हैं जहां पर अगले दिन कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जहां पर उसको कुछ परफॉर्म करना है और वहां पर उसको बहुत ज्यादा क्राउडिंग ऑफ थॉट हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। वो चीज़ को बहुत सालों से कर रहा है वो, लेकिन जब उसको करने का दिन आता है इतना परेशान हो जाता है, मैं कैसे करूंगा, कैसे स्टेज पे जाऊंगा, एवरीबडी विल नोटिस मी, सो हाउ आई विल गो टू परफॉर्म देयर, ये थॉट्स उसके दिमाग में लगता रहता है। तो जो चीज़ आप हमेशा से कर रहे हैं उसको भी करने में अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है, उसको भी करने में आपको इतनी टेंशन हो रही है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर लाइकोपोडियम काम आ जाएगी। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसा बेचारा पेशेंट होता है जो सोचता है कि मुझे तो सारी बीमारियाँ मुझे आके लग गई, मेरे को यहाँ पे पेन हुआ, मुझे ये हो गया, मुझे तो वो भी बीमारी हो जाएगी, मुझे हार्ट में अगर पैल्पिटेशन हो गई तो मुझे हार्ट फेलियर से कम तो कुछ होने वाला नहीं है, अरे मुझे तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो मुझे हुई नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट जिनको लगता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ बड़ी बीमारी में बदल जाएगी और बीमारी के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है, ओसीडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बीमारी इन्फेक्शन की ओसीडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम को चूज करते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो हम रेस्क्यू रेमडी के नाम से जानते हैं। रेस्क्यू रेमडी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी दवा है, उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बहुत पहले बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा मशहूर दवा है ये। तो रेस्क्यू रेमडी आपके किसी भी नेगेटिव इमोशंस को कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है, आपके मन को शांत करने के लिए, थॉट की सही प्रोसेसिंग करने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लाने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं और साथ के साथ पल्सरडीला भी एक अच्छी दवा है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी दवा है जो कि मेंटल अनस्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसमें इंसान भटका रहता है, उसको समझ नहीं आता कभी ये करूं तो कभी वो करूं, तो कभी ये करूं तो कभी वो करूं, कभी ये तब कभी वो, और जब तक उसको कोई दूसरा नहीं आके बता देता भाई तू ये कर ले, तब तक वो अटका रहता है। मतलब उसको इतना ज़्यादा इनडिसिसिव रहता है, उसको डिसीजन लेने में इतनी डिफिकल्टी रहती है कि पूरे दिन 3-4 दिन तो खुद सोचेगा और फाइनली वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाएगा तो अगले से पूछेगा, फिर अगला जो बोलेगा उसको बोलेगा हाँ भाई ये ठीक है। ये होता है पल्सरडीला, कुछ खुद से नहीं कर पाना, इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी होना। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं क्राउडिंग ऑफ थॉट्स के लिए। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, एक इंसान को एक दवा, दूसरे इंसान को दूसरी दवा ही जाती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग तरह के थॉट्स हो सकते हैं, अलग तरह के रीज़न हो सकते हैं उस तरह के थॉट्स आने की, अलग तरह की हिस्ट्री हो सकती है, कैसा उसका बचपन रहा, सबका बचपन एक जैसा रहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर तरह के पेशेंट को अलग अलग दवाइयाँ जाती हैं क्राउडिंग ऑफ थॉट्स के लिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। और सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं, इसके साथ में आपको मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा नेचर के साथ जुड़ना होगा, तो आपको सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। नेचर के साथ जुड़ना मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाएं और बागानों में घूमें, लेकिन हाँ नेचर के साथ जुड़ना का मतलब हुआ कि ऐसा सुबह सुबह थोड़ा सा वॉक कर लिया, छत पे टहल लिया या लॉन में टहल लिया, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलती है, आपके थॉट्स को, आपके दिमाग को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने का ये फ़ायदा होता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लेते हैं लंबे समय तक ले सकते हैं, क्योंकि व्यवहार बदलना, विचार बदलना एक दिन की बात तो होती नहीं है, तो आप ज़्यादा समय तक के लिए ले सकते हैं, इसका एडिक्शन भी नहीं है और बाकी दवाइयों के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। तो होम्योपैथिक दवाइयों को आप ज़रूर लें, बहुत से लोग बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी ज़रूर लें अगर आपको क्राउडिंग ऑफ थॉट्स यानी ओवर एक्टिव माइंड की शिकायत है। और सबसे अच्छी बात है कि इन दवाइयों को लेने से आपको कोई नींद नहीं आती है और छोड़ देने पर दोबारा उसको लेने की लत नहीं होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस टॉपिक के ऊपर, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।